तो उन्होंने आरबीआई का सर्कुलर निकाल का भी ये हमें दिखाया। डायरेक्ट सेलिंग की एमएलएम कंपनी है या अगर वो आपको क्वालिटी नहीं दे रही है, आपकी मनी बैक भी नहीं कर रही है, तो वो आपके संग फ्रॉड ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो अब आप लोगों को क्या करना है जिनके साथ में स्कैम हुआ है, क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। तो गाइस संदीप माहेश्वरी जी की ये वाली वीडियो जरूर देखना आप। इन्होंने विवेक बिंद्र जी के बारे में बताया है, मतलब वो अपने आगे डॉक्टर क्यों लगाते हैं जबकि उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी वर्थ नहीं रखते हैं, मतलब और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। प्लीज़ ये वाली वीडियो जरूर देखना। ये किस स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से इन्होंने वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छी है गाइस, देखना जरूर आप। मार्केट में जितने भी लोग हैं न्यू कमर्स को जो फंसाने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए कि 10 दिन का एमबीए करा देंगे या आपको ये प्रोडक्ट सेल आउट कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फेक होता है। तो उन्होंने आरबीआई का सर्कुलर निकाल का भी ये हमें दिखाया। और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की एमएलएम कंपनी है या जो भी कंपनी है जैसे बेस्टीज टाइप है या और भी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, अगर वो आपको क्वालिटी नहीं दे रही है, तो अगर आपकी मनी बैक भी नहीं कर रही है, तो वो आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग या जो लॉ आया है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से फॉलो नहीं कर रही है, तो वो आपके संग फ्रॉड ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी सर ने अभी तक अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, तो अभी आप इन्हें सुन सकते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अपना मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा और आप लोगों की हेल्प के लिए मैं जो लीगल है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो सुनते हैं, किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 FIR लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा, मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है। तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा, मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गए। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? गाइस देखिए, ये अपने यूट्यूब चैनल पर अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर संदीप माहेश्वरी सर ऑन नहीं कर रहे थे मोनेटाइजेशन, तो अब वो भी ऑन कर देंगे, वो भी पब्लिक की हेल्प के लिए। तो गाइस ये वीडियो देखना जरूर आप, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, काफी मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा लिंक उसका, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। और उन्हें इस वीडियो को यूथ को जरूर देखना चाहिए जो न्यू कॉमर्स मार्केट में मतलब एंट्री लेते हैं कोर्स खरीदने के लिए, मतलब लोग जो एक्टिव हैं जो पढ़ाई करने के बाद मार्केट में एंटर होते हैं और उन्हें नहीं पता होता है मैक्सिमम चीजों के बारे में, तो उनके लिए बहुत ही अवेयरनेस की वीडियो। क्योंकि अब वो खाली स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं कि वहां से वो अपने कोर्स लें। फोर आएंगे, बायजूस टेक, कुछ और भी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पेरेंट्स को कन्विंस करके स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करवा देती हैं और उसके बाद कुछ भी उन्हें दिक्कत आती है तो उस प्रॉब्लम को फेस करने से बचती हैं। फिर लोगों को क्या करना है जिनके साथ में स्कैम हुआ है, हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे। और साथ में सारे जो प्रूफ लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग जो आप लोग हो, क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है, मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम
जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है तो वो क्या करेंगे, वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है, जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है, एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई,